Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you add in maths. बच्चों, आज मैं आपको maths में एक बार फिर से add का revision करा रही हूँ, revision video भेज रही हूँ, ताकि आप अच्छे से add को समझ सके. यहाँ पे देखिए, आप first में 5+4 दिया हुआ, मतलब कि सबसे जितने दो नंबर्स दिए हुए दोनों को आप उतने लाइंस ड्रॉ कीजिए और फिर उसको ऐड कीजिए. तो यहाँ पे 5+4 यानी ऊपर में 5 है, तो 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5. नीचे में कितना नंबर है, 4 है, तो 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4. अब इसको काउंट ऊपर से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 5+4 क्या होगा, 9. 9 यहाँ पे आंसर राइट करेंगे. नेक्स्ट है 6+3, तो सबसे ऊपर में नंबर है 6, तो 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. नीचे में कितना नंबर है, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3. अब ऊपर से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 6+3 क्या होता है, 9. इस तरह से आपको ऐड बनाना है. आपके एग्जाम्स में अभी आपको दिए रहेंगे तो नंबर्स, तो इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करके देन उसके बाद उसको काउंट करेंगे, फिर आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट है 4+4, ऊपर में 4 लाइंस, 1, 2, 3, 4. नीचे में भी 4 लाइंस, 1, 2, 3, 4. अब ऊपर से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 4+4 आंसर क्या होगा, 8. तो 8 आंसर हम लोग राइट करेंगे. नेक्स्ट है 2+0, 2 है नंबर, तो 2 लाइन, 0 इसका मतलब कोई लाइन नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, एक भी लाइन नहीं. तो 2+0 क्या होगा, काउंट करो, 1, 2 ही आंसर यहाँ पे लिखेंगे हम. ओके, नेक्स्ट नंबर है 6+6, तो 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ 6 है तो 6 लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर भी 6 है तो फिर 6 करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब इसको ऊपर से काउंट करना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ 6 खत्म हुआ, यहाँ से 7 शुरू करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो 6+6 क्या आंसर होगा, 12 होगा. नेक्स्ट है 7+3, अब 7 है तो 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नीचे है 3 लाइन, तो 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, सॉरी नीचे है 3 नंबर, तो 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3. अब ऊपर से काउंट करना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 7+3 क्या होता है, 10 होता है आंसर. अब नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट. सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना. सब्सट्रैक्ट का मतलब घटाना, ऐड का मतलब मैंने आपको बताया जोड़ना, और सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना. अब देखिए 4-3, और सब्सट्रैक्ट का साइन क्या होता है, ये माइनस इसको बोलते हैं. सब्सट्रैक्ट का साइन माइनस, ऐड का साइन प्लस, और सब्सट्रैक्ट का साइन माइनस. 4-3, जहां पर ये साइन आपको दिया रहेगा तो आपको समझ जाना है कि आपको घटाना है. तो पहले 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4. -3 मतलब कि 3 लाइन घटा देना, 1, 2, 3 लाइन हम लोग काट दिए, बचा कितना नंबर, 1. तो यहाँ पे आंसर क्या राइट करेंगे, 1. ठीक है, तो ऐड का मतलब जोड़ना और सब्सट्रैक्ट का मतलब घटाना. अब 8-4, अब 8 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब इसमें से 4 को घटा देना है, तो ये पीछे से 4 लाइंस काट देंगे, 1, 2, 3, 4 काट दिए, बचा कितना, 1, 2, 3, 4. 8-4 क्या आंसर होता है, 4. ओके, अब नेक्स्ट देखिए 7-3, इसका मतलब है कि 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. -3 मतलब 3 लाइन को काट देंगे, 1, 2, 3 लाइन को काट दिए, कितना बचा, 1, 2, 3, 4. तो 7-3 कितना बचा आंसर में, 4. आप देखो 3 लाइन काट दिया मैंने, 7 लाइंस में 1, 2, 3, 4 ही बचा, तो 4 आंसर राइट है. जो लाइन काटने के बाद जो रेस्ट लाइंस बच जाते उतने को काउंट करके तब आंसर लिखना है सब्सट्रैक्ट में. अब 6-4, तो 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. -4 मतलब कि 4 को घटा देना, काट दो, 1, 2, 3, 4 काट दिए, बचा कितना लाइन, ये देखिए 1, 2. तो यहाँ पे आंसर 2, जितने लाइंस बचेंगे उतने को काउंट करके आपको लिखना है. अब नेक्स्ट है 9-3, अब 9
लाइंस ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 3, इसमें 3 काट देंगे, 1 2 3 काट दिए, कितना बचा यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 9 माइनस 3 क्या आंसर होगा, 6 होगा। अब नेक्स्ट है 5 माइनस 3, 5 लाइन ड्रॉ करो 1 2 3 4 5 माइनस 3, 3 लाइन काट दिए, क्या बचा 2 1 2, 5 माइनस 3 क्या आंसर हो गया 2। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे ऐड का मतलब होता है जोड़ना, दो नंबर्स दिए रहेंगे ऊपर नीचे उतने लाइंस ड्रॉ करके आपको जोड़ देना है। सबट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, एक जो पहला नंबर है उतने लाइंस ड्रॉ करके नीचे वाले नंबर्स को घटा देना है। ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।